अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बार ग्राफ बना सकते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आप इंसर्ट के टैब में जाएं और यहाँ पर यह चार्ट पर क्लिक करें तो आपके पास ये आ गए हैं बार ग्राफ। आप यहाँ से बना सकते हैं, आप जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं ये वाला बार ग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लूँगा और यहाँ से इन्होंने तीन इसकी सीरीज़ बनाई हुई हैं। हमें जो चाहिए हम उसे ही रख सकते हैं, बाकियों को अगर हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इन्होंने तीन सीरीज़ बनाई हुई हैं, मैं अगर सिर्फ सीरीज़ वन को रखना चाहता हूँ, बाकी सीरीज़ टू और सीरीज़ थ्री को डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इस सीरीज़ टू को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। सीरीज़ थ्री को भी मैं नहीं रखना चाहता, इसे मैं यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पर सीरीज़ टू और सीरीज़ थ्री में से कॉलम में से भी मैं इन्हें डिलीट कर दूँगा। अगर आप मज़ीद सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो वह भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेसिकली एक ही चाहिए। तो अगर मैं पॉपुलेशन का बनाना चाहता हूँ चार्ट तो वो भी मैं बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक फॉर एग्जांपल एक बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर कैटेगरी वन में सन 1999 लिख दूंगा, यहाँ पर सन 2000 लिख दूंगा, 2001 यहाँ पे लिख लूंगा और यहाँ पे 2002। और आगे अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वह भी लिख सकता हूँ। मैं दो तीन और लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख लिए। अब मैं इसकी वैल्यू अगर बदलना चाहता हूँ तो वह मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। मैं सन 1999 की पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 8000 कर देता हूँ, इसकी सन 2000 की 9000 कर देता हूँ और सन 2001 की मैं 12000 कर देता हूँ और सन 2002 की मैं 2003 और 2004 की भी इसी तरह लिख लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख ली, इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ वैल्यूज ही लिखता गया और ये एक बार ग्राफ खुद ब खुद ही बनता गया। आप इस तरह कोई भी बार ग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका अगर आप थीम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर ये वाला थीम रखना चाहते हैं तो ये वाला कर सकते हैं, ये रखना चाहते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं ये वाला रख लेता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एक आसानी से बार ग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन हो गया है। अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ब्रा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।